जब से मैं आया हूँ बॉम्बे, मुझे लगता है उसके पहले से ही मैं थिएटर कर रहा होता था, तो सफ़र हमेशा से चल रहा है और मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि अब ये ख़त्म होगा भी नहीं। तो हाईवे सिंबॉलिक है, जर्नी आपके अंदर चलती है। और जर्नी का एक्सपीरियंस जो आप उससे बहुत अच्छा है, उसमें क्या रस निकलता है? आप कहीं पहुंचना चाहते हैं, शायद कहीं और पहुंच जाते हैं। जैसे कि मैंने कभी सोचा नहीं था मैं फिल्म डायरेक्ट करूंगा, फिर जब ख्याल आया कि फिल्म बनाऊंगा तो पहला ख्याल ये था कि मैं हाईवे बनाऊंगा। अब ये मेरी 5वीं फिल्म है, तो चीज़ें अपने रास्ते से अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती हैं, मगर आपको चलते रहना पड़ता है। Being a director, is it more easier to shoot on a natural shores or natural locations? I think the story really demands, and I really like shooting on real location. I think there's a lot of drama in it, but I sometimes also like shooting on sets, etc., because there's a certain sense of greater control in it. मैं बहुत lucky हूँ कि आलिया और रणदीप दोनों ही मेरे पहले choices थे और दोनों मुझे मिल गए। इम्तियाज, इस फिल्म को देखकर और खासकर जो बहुत कम डायलॉग्स हैं रणदीप के जी, उसे देखकर लगता है कि आप भी उन्हें एक नई लीग में इस फिल्म के माध्यम से लाने को तैयार हो चुके हैं? मुझे ऐसा लगता है कि रणदीप बहुत हाई लीग में हमेशा से रहे हैं। मैंने उनकी सबसे पहली फिल्म देखी थी मानसून वेडिंग और मैं उनसे खास करके बहुत इम्प्रेस हुआ था एज एन एक्टर। उसके बाद मैंने उनके स्टेज प्लेस देखे हैं, उसके अलावा मैंने उनका कुछ देखा नहीं था, कोई और फिल्में नहीं देखी थी, तो मुझे ये नहीं पता कि वो किस लीग में आएंगे। मुझे लगता है वो बहुत बड़े एक्टर, बहुत बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत रियल एक्टर हैं, और मुझे उम्मीद है कि और मुझे यकीन है कि वो बहुत कुछ करेंगे अपनी ज़िंदगी में एज एन एक्टर। और कहीं ना कहीं वो नॉर्थ से हैं तो कहीं एक एडवांटेज है जी, बिकॉज इस फिल्म में हमें जो कैरेक्टर मैं ढूंढ रहा था जिसका नाम महावीर भाटी है, वो हरियाणा का रहने वाला है, दिल्ली के आसपास रहता है और उसकी ज़िंदगी सारी वहीं गुजरी है, उसकी ज़बान वैसी है, तो वो बहुत सूट करते थे। इम्तियाज, जब फिल्म का प्रमोशन होता है तो बोला जाता है कि काफ़ी कुछ स्पेशल है फिल्म में, लेकिन जब ऑडियंस थिएटर तक पहुंचती है तो फिल्मों में वो स्पेशल नहीं रह जाता, नहीं रह जाता। हाँ। तो आपकी फिल्म में ऐसा क्या स्पेशल चीज़ है जो ऑडियंस थिएटर तक पहुँचे? वो पता नहीं यार, जो स्पेशल चीज़ जो भी कुछ होती है वो मैं बोलूँगा और लोगों पर को यकीन हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। तो जो कुछ हमारा है, जैसे ये पोस्टर है, आपने ट्रेलर देखा, जो भी ये चीज़ें हैं और भी जो भी हम प्रदर्शित करेंगे फिल्म के रिलीज़ होने के पहले, वो सब होगा, शायद उसी में आपको कुछ नज़र आ जाए जो स्पेशल है। कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जो मैं कह सकूँ कि इसमें हॉरर है या इसमें कॉमेडी है। आप गए तो ऐसा क्या खास लगा जो एक जुट लगा के देखने में कि यार 6 स्टेट एक जैसा लग रहा है? 6 स्टेट जो हैं वो हिंदुस्तान में वो एक जैसे भी हैं और बहुत एक दूसरे से मुख्तलिफ भी हैं। और जब हाईवे पर आप चलते हैं तो हर 100 किलोमीटर में, हर 50 किलोमीटर में जो पूरा जो लुक है ना वो बदल जाता है, और फिर वो भयानक हो जाता है, फिर वो सुंदर हो जाता है, फिर वो रोमांटिक हो जाता है, फिर से भयानक हो जाता है। तो हमारी जो कहानी का एक फ्लो था ना, जो उसकी इमोशनल फ्लो था, इस जर्नी में भी वही वाला फ्लो था, तो इस वजह से मैंने इन दोनों को मर्ज करने की कोशिश की। चैलेंजिंग, देयर वाज वन सीन दैट वी डिड इन द फिल्म व्हिच वाज इनडोर्स, which was in controlled location where the ground was flat and nothing was moving, everything was in control. That was the most challenging thing for us because we were so used to shooting in deserts, in hills, that one interior scene became the most difficult. Aur jaisa Alia bata rahi thi ki aap location mein pahunchne ke baad actor ko bol dete the jo feel kar rahe ho waisa hi dialogue bolte the. Kabhi kabhi aisa hota tha ki main location mein pahunchne ke baad lagta tha ki यहाँ की जो अभी की ये फीलिंग आप फील कर रही हैं ये कह देंगी तो वही बेस्ट हो जाएगा। इम्तियाज, रणदीप यहाँ होते हुए भी स्टेज पर नहीं थे, इसका क्या रीज़न था? इसका ये रीज़न था कि जब फिल्म रिलीज होने वाली होगी ना तो कुछ पत्ते हम तब खोलेंगे। अच्छा। और उनके किरदार को लेकर भी काफी सस्पेंस मतलब आपने रखा? हाँ, मैं भी सस्पेंस में उनके किरदार को लेकर। अब मैं एक्चुअली पूछने वाला था कि फरीदून है कि नहीं, मैंने पूछा था क्योंकि उनके पिताजी ने उनके ये लिखा था, उनके शेर का, शहरयार साहब ने लिखा था कि दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे, पत्थर की तरह बेजिस्म बेजान सा क्यों है।
यानी कि दिल है तो फिर कोई बहाना ढूंढो यार धड़कने का, तो धड़क रहा बेचारी का दिल, छोटी बच्ची है 20 साल की। साउंड बाइट में तो ये बात बोली नहीं आपने, इतनी अच्छी बात। मैं चाह रहा था बोलना यार, मगर फिर आपका सवाल आने लगा ना। एक चीज बताना चाहूंगा कि थोड़ा सा जहां से आपने शुरुआत की वहां से, कि अब तक इन सालों में टेलीविजन आपकी नजर में कितना बदला है? जब हम लोग, मैं जब टेलीविजन बना रहा था, तो मुझे लगता है कि मैं और उस वक्त के कुछ डायरेक्टर्स टेलीविजन को समझते नहीं थे। हम समझ रहे थे, हमें फिल्मों की कहानी आती थी क्योंकि हम फिल्म देखते हुए बड़े हुए, तो उन कहानियों को हम फिल्मों में टेलीविज़न में बनाने की कोशिश करते थे। तो वो मेरे ख्याल से गलत तरीका था। धीरे धीरे अब मुझे लगता है कि लोगों को समझ में आ रहा है कि टेलीविज़न क्या हो सकता है, और सारी दुनिया को मालूम है कि किस तरह के बजट्स हो रहे हैं और किस तरह की पॉपुलैरिटी हो रही है टेलीविज़न प्रोग्रामिंग की। बदलाव आता रहेगा मेरे ख्याल से, बहुत अलग अलग तरह के सीरियल्स एक साथ में हिंदुस्तान में चलेंगे। दो डिबेट चल रहे हैं, फैंस और इंडस्ट्री में भी दो डिबेट चल रहे हैं आजकल। एक जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट पास किया है होमोसेक्सुअलिटी पे, आई मीन फिल्मों भी हम देखते हैं ये चीज़ फ्रीडम की, हम दिखाते हैं एंटरटेनमेंट। देखिए हालांकि ये प्लेटफॉर्म वो नहीं है जो, जिस बारे में आप मुझसे पूछ रही हैं वो बहुत सीरियस मामला है, उसको मैं लाइट हार्टेड तरीके से उस पर डील नहीं करना चाहूँगा। हो सकता है हम बाद में बात करें इसके बारे में, बिकॉज मेरे पास भी कुछ व्यूज़ हैं इस जजमेंट को लेकर के। आई फील दैट ऑलवेज व्हेन यू आर मेकिंग मूवीज देयर आर सम पर्सनल एक्सपीरियंसेस दैट यू ड्रॉ फ्रॉम। कोई डायरेक्टली ऐसा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस तो नहीं था, बट जो मैंने अपने ज़िंदगी के सफ़र में कई बार देखा है वो सारी चीज़ें थी उसके अंदर।